पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में लाइफलाइन हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के बराबर गली में नाली में नवजात शिशु का भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ भ्रूण को देखने के लिए एकत्रित हो गई और लोगों की भीड़ ने मौके पर पुलिस को बुला लिया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए नवजात के भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। हापुड़ का स्वास्थ्य महकमा अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में तो लगा है और मामले से पर्दा उठाने में लगा है, लेकिन वहां पर अभी तक स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिस कारण स्वास्थ्य विभाग की मामले में लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। आया है जो इसमें भ्रूण जो मिला है वो पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है तथा इसके बारे में जो भी पीसी पेंडीटी के अंतर्गत कार्रवाई होती है उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जो भी हमारे जो सीओ महोदय हैं उनसे दिशा निर्देश मिलेंगे तथा जो कमेटी गठित की जाएगी उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाएगी पीसी पेंडीटी। बाकी चलता है जब आओ।